नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर हम दक्षिण भारत की ओर देखें तो ये विभिन्न प्रकार के धार्मिक कथाओं से भरा पड़ा है। उन्हीं में से कथा है शिल्पपदिकारम काव्य में वर्णित कन्नगी और कोवलन की कथा। ये महान काव्य संगम काल में लगभग 2000 वर्ष पहले पहली सदी में एक जैन राजकुमार इंडिगो अडगल के द्वारा लिखा गया था। इस काव्य की गणना तमिल साहित्य के 5 सबसे बड़े महाकाव्यों में की जाती है। अन्य काव्य हैं मनिक मिलाई जो कि 5वीं सदी में लिखा गया था, कुंडल केची जो कि 5वीं सदी में लिखा गया था, वलयापति जो कि 9वीं सदी में लिखा गया था, तथा शिव का चिंतामणि जो कि 10वीं सदी में लिखा गया था। शिल्पपदिकारम का अर्थ होता है पायलों की कथा, और ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें कन्नगी के पायलों का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था माकटुवन। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था कोवलन। उसका विवाह पुहार के ही निवासी एक अन्य धनी व्यापारी मनाइकन की पुत्री कन्नगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ वर्ष उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक बार कोवलन पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने के लिए गया और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कन्नगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोह जाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। 3 वर्ष तक कोवलन माधवी के साथ भोग विलास में लिप्त रहा, और जब उसका समस्त धन वैभव समाप्त हो गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कन्नगी के पास लौट आया। इससे व्यथित होकर माधवी अपना समस्त धन लेकर कोवलन के पास आई और उसे वापस चलने का अनुरोध किया, किंतु कोवलन ने वापस जाने से मना कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि माधवी उसके पश्चात कई वर्षों तक एकाकी रही और उसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और सन्यासन बन गई। दूसरी तरफ कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका था और इसी कारण उसने मदुरई जाकर नया व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया। अपनी भारिया कन्नगी को लेकर वो मदुरई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उनकी भेंट एक वृद्ध जैन साध्वी से हुई और उन्हीं के मार्गदर्शन में तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई नगर पहुंचे। वहां पहुंचने पर कोवलन और कन्नगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कन्नगी ने कोवलन को अपने पैरों से उतारकर रत्नों से भरा हुआ पायल दिया और उससे कहा कि इस पायल को बेचकर वह कुछ स्वर्ण ले आए और अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसकी पायल लेकर कोवलन नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल को दिखाया और कहा कि वो उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि यह वही चोरी किया हुआ पायल है और इसकी खबर उसने वहां के राजा नेंडू जेलिन को दी। नेंडू जेलिन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे और अगर उस व्यक्ति के पास रानी की पायल मिले तो उसे मृत्युदंड देकर वह पायल वापस ले आए। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोवलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोवलन का पक्ष सुने उसका वध कर दिया। इसके बाद वो पायल लेकर सैनिक वापस आ गए और उन्होंने उसे राजा को दे दिया। राजा ने उस पायल को अपनी रानी को दे दिया, जिसे पाकर वो बड़ी प्रसन्न हुई। उधर जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कन्नगी को मिला तो वो क्रोध में राजा के भवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए कहा कि हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्युदंड दिया, किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है। इस पर राजा ने कहा कि हे देवी, मेरे राज्य में चोरों को मृत्युदंड देने का ही विधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो पायल उसने नहीं चुराए? कन्नगी ने कहा कि रे मूर्ख, वो पायल मेरी थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कन्नगी के पायल से ही मिलता था, रानी के पायल से नहीं। रानी के पायल में मोती भरे थे जबकि कन्नगी का पायल रत्नों से भरा था। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे शर्म और दुख के उसने कन्नगी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। किंतु इतने पर भी कन्नगी का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त और किसी का ध्यान ना किया हो और अगर वास्तव में मैं पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर जलकर भस्म हो जाए।
ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़े पायल को भूमि पर पटका, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरई शहर जलकर भस्म हो गया। मदुरई नगर को भस्म करने के बाद भी वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी, जिन्हें दक्षिण भारत में देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है, वो प्रकट हुई और उन्होंने कन्नगी का क्रोध शांत किया। सती कन्नगी को दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें कन्नगी अम्मा के नाम से जाना जाता है। पुहार और मदुरई में इनकी गणना देवी मीनाक्षी के अवतार के रूप में भी की जाती है। यही नहीं, श्रीलंका में भी इनकी बड़ी मान्यता है। ये कथा पतिव्रता स्त्रियों के सतीत्व के बल को प्रदर्शित करती है। सती अनुसुईया के समान ही देवी कन्नगी भी चिरकाल तक पूज्य रहेंगी। धन्य है भारतवर्ष जहां ऐसी सती और पतिव्रता स्त्रियों ने जन्म लिया है। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो इसे आप अपने मित्रजनों और परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय कन्नगी अम्मा।